दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है, लेकिन इस इंडिकेटर का यूज़ काफ़ी लोग नहीं करते हैं जिस कारण उनको नुकसान होता है। और नुकसान से बचने के लिए अगर आप इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पे प्रॉफिट में रह सकते हैं। यहाँ पे मैं जिस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ उसकी मैं डीपली आपको यहाँ पे जानकारी बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से आप उस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आप ट्रेड को आगे लेके जा सकते हैं, कैरी करके लेके जा सकते हैं, और वो कौन सा भाव होता है जहाँ पे मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं और वहाँ पे स्टॉक को नीचे गिरने से रोकते हैं, या अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो उसको ऊपर जाने नहीं देते हैं। तो ये सारी बातों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जिस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वीवेप, मतलब कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इस इंडिकेटर का यूज़ काफ़ी लोग करते हैं और काफ़ी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है कि वीवेप क्या होता है या एवरेज ट्रेड प्राइस वाला इंडिकेटर क्या होता है, तो इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण जो मैक्सिमम लोग हैं वो गलत एंट्री ले लेते हैं। अब मैं आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के बारे में बताता हूँ कि या एवरेज ट्रेड प्राइस के बारे में बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एक इंडिकेटर है जिसे आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे में इस इंडिकेटर को आप लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बायस है या इक्विटी बायस है या बाइंग करते हैं सेलिंग करते हैं, तो क्या होता है कि जो एवरेज प्राइस इंडिकेटर होता है वो क्या करता है कि जो जितने भी मिनट का आप डाटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या आप किसी कैंडल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सपोज़ मान लो कि आपने 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा है, तो 15 मिनट के चार्ट के आधार पे उन कैंडल्स का जो डेटा है, या हम ये कह सकते हैं कि 15 कैंडल्स का डेटा है या 15 आवर्स का जो कैंडल्स बनी हुई है उनका जो डेटा है उसका एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस ट्रेड प्राइस जो है उसके ऊपर अगर मार्केट चल रहा है, यानी सपोज हम मान लेते हैं कि एक स्टॉक है, एक्स वाई जेड कंपनी एक स्टॉक है जो अभी 105 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, उसका ATP चल रहा है 102 रुपीज़, मतलब कि 102 रुपये के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 105 के भाव पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या माना जाएगा कि जो ATP के ऊपर ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है तो काफ़ी स्ट्रांग है, जब तक कि इसका भाव 102 रुपये को होल्ड करते हुए चल रहा है, आगे चल रहा है, तब तक ये माना जाएगा कि ये स्टॉक में एक तेज़ी बनी हुई है और स्टॉक आगे हमें और ज़्यादा ऊपर के लेवल दिखा सकता है। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड एक कंपनी है और उसका ATP 100 रुपीज़ पे है और प्राइस क्या है उसका 98 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, मतलब कि अगर ATP के नीचे उसका प्राइस चल रहा है, जब तक ATP के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये माना जाएगा कि वो स्टॉक में हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है, स्टॉक वीक हो सकता है। इसे हम ऑप्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन पे भी डेटा को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे चाहो तो आप मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हैं या MACD इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ATP प्राइस के साथ साथ अगर आप MACD इंडिकेटर को भी लेके चल सकते हैं और सेम डायरेक्शन में अगर डाटा आपको देखने को मिल सकता है जाता है, तो इस कंडीशन में हमारा ट्रेड की संभावना और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और ज़्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप MACD इंडिकेटर और आप एवरेज ट्रेड प्राइस का यूज़ करके आप अपने ट्रेड को और ज़्यादा इजी आसान बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपका इस वीडियो के से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं या किस टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों आपका आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।